एंड्रॉयड वाइब्रेशन नॉट वर्किंग प्रॉब्लम सॉल्व। क्या दोस्तों आप भी जानना चाहते हैं कि मैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में जो वाइब्रेशन होता है यानी कि वाइब्रेट फ़ोन होता है वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, आपका वर्क नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, उसे आप किस तरीके से सही कर सकते हैं, इस वीडियो में कम्प्लीटली आपको बताने वाला हूँ। हेलो नमस्ते, मैं हूँ इस चैनल का होस्ट आपका अपना दोस्त विमलेश कुमार। दोस्तों अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन वाला आइकन को नहीं दबाया है तो जल्दी से दबा दीजिए, क्योंकि जब भी मैं इस चैनल पे इस तरह की वीडियो पब्लिश करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में चला जाना चाहिए। तो चलिए चलते हैं, बताते हैं आप किस तरीके से अपने एंड्रॉयड फ़ोन का जो वाइब्रेशन होता है ठीक है उसे आप किस तरीके से सही कर सकते हैं, वर्क नहीं कर रहा है तो ठीक है। तो यहाँ पे कुछ सेटिंग होती है वो आपको कर लेनी होगी ठीक है। तो आपको सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा आपको जाना है सीधा मोबाइल की सेटिंग में। मोबाइल की सेटिंग में जाओगे तो आप नीचे की तरफ इस तरीके से आओगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा साउंड एंड वाइब्रेशन ठीक है, इसी पर आपको क्लिक करना है इस तरीके से ठीक है। इस तरीके से मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे ये बता रहा है वाइब्रेट फॉर इनकमिंग कॉल्स। यहाँ पे क्या होगा जब हमारी इनकमिंग कॉल आएगी ठीक है तो वहाँ पे वाइब्रेट होगा ठीक है मेरा फ़ोन ठीक है, और रिंगटन भी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखो इस तरीके से आपको यहाँ पे यही सिलेक्ट करके रखना है ठीक है। अगर आप बिल्कुल वाइब्रेट करना चाहते हो तो साइलेंट, इसलिए वाइब्रेट ऑन साइलेंट इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाइब्रेट साइलेंट हो जाएगा ठीक है। जब आपका फ़ोन वाइब्रेट होगा उस तरीके से साइलेंट हो जाएगा ठीक है। जैसे कि अब आप यहाँ पे साइलेंट मोड करते हैं तो आपका मोबाइल साइलेंट हो जाएगा, वाइब्रेट नहीं होगा ठीक है। यहाँ पे एक सेटिंग सीधी सी सिंपल सी होती है ठीक है, वो सेटिंग में आपको बताऊंगा। जैसे कि हम इस तरीके से वापस चलते हैं बाहर, ऊपर से नीचे की तरफ खींचेंगे तो यहाँ पे रिंग जो लिखा हुआ है ब्लूटूथ के पास ठीक है, बस इसको आपको वाइब्रेट कर देना होगा ठीक है। जैसे आप वाइब्रेट कर देंगे आपका फ़ोन वाइब्रेट होगा ठीक है, 100% वाइब्रेट होगा। अगर आपका फ़ोन फिर भी वाइब्रेट नहीं हो रहा है ठीक है तो आपके फ़ोन का जो वाइब्रेशन है ठीक है वो खराब हो गया है, ये ध्यान रखना ठीक है। उसे आप सही कैसे करेंगे, आपको सिंपल से मोबाइल की सेटिंग में जाके सबसे पहले अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करना होगा। क्या करना है, रीस्टार्ट करना होगा ठीक है, ध्यान रखना है। रीस्टार्ट करने के बाद दोस्तों आपको खोल के फिर से उसे रीसेट मारना है, रीसेट मारना है, ये अंतिम ये चढ़ होता है ठीक है। किसी भी चीज़ को एंड्रॉयड फ़ोन में कोई कमी हो गई है तो रीसेट मार देंगे तो वो सही हो जाएगा ठीक है। दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको दिखाया बताया है इस तरीके से आप अपने फ़ोन का जो वाइब्रेट जैसे रिंग है वाइब्रेट है ठीक है, साइलेंट मोड है ठीक है, ये इससे साइलेंट मोड से कुछ नहीं होता है, रिंग से कुछ नहीं होगा, आपको वाइब्रेट करने के लिए इस तरीके से करना होगा ठीक है, इस तरीके से। अगर दोस्तों यहाँ ये आपको नहीं मिल रहा है तो आपको ये सेटिंग जहाँ नज़र आ रही है सेटिंग का लोगो इस तरीके से यहीं पे इस तरीके से पेंसिल का आइकन आता है, एडिट का बोला जाता है ठीक है। तो यहाँ पे नीचे की तरफ आपको मिल सकता है ठीक है, वो ऊपर से ऊपर कर लेना होगा। ऊपर कैसे करना होगा, उसे आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे और इस तरीके से ऊपर ले जाएंगे ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर ऊपर इस तरीके से ले गया, इसे यहाँ पे कर दिया ठीक है, तो ये स्क्रीनशॉट इस तरीके से ऊपर पहुंच गया। तो हम स्क्रीनशॉट इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिखेगा, ये देखो रहा ठीक है। हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखो स्क्रीनशॉट यहाँ पे अपने आप खिंच जाएगा, जैसे ये देखो खिंच गया ठीक है इस तरीके से। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।